मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, अभी बुलाएंगे इसको। हमारे वहाँ बोलते हैं लिंगुड़ बोलते हैं ना, तो अगर ये थोड़ा सा सस्ता जैसा देंगे तो ठीक है। भैया थोड़ा सा कम कर दो ना, ये एक गट्टी पूरा 100 का है क्या? ये बहुत महंगा दे रहे हैं। वही तो, हमारे वहाँ फ्री में, फ्री में किलो ये बिल्कुल फ्री में मिलता है, बस जंगल से तोड़ के लाना पड़ता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हो सभी लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और तो आज हम जा रहे हैं, वैसे मैं ज़्यादातर यहाँ देहरादून आके भी ज़्यादा कहीं घूमी नहीं हूँ, तो अभी धीरे धीरे अभी होगा, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो फिर मुझे ज़्यादातर शूट ही शूट 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 हो रहे वहीं हल्द्वानी में। तो आज हम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कौन सा वाटर पार्क है वो, पता नहीं कोई लेक जैसा है, झील है, मतलब लेक है वो, तो यहीं आइस ब्यूटी, आइस ब्यूटी से 3 किलोमीटर आगे है। तो मेरी एक फ्रेंड आ रही है, वो फ्रेंड मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, टिकटॉक टाइम की फ्रेंड है मेरी। तो अभी हम आज तक अभी हम मिले नहीं हैं, तो आज हम मिल गए हैं और आ गई है वो तब। तो बाकी चलते हैं, रेडी हो गई हूँ मैं और ये भी आ रहा है। वैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, क्योंकि इतने दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था, तो मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं। तो अभी दवाई ले लेंगे, और मौसम में भी सही हो रहा है, बट इतना गर्म हो रहा है ना सच में। चाबी तू लगा ले जाना। चलो गाइस चलते हैं। अरे मेरे बाल खराब हो गए, अभी मौसम ना सही हो रहा है। से यहाँ पे ना एकांत जैसा यहाँ को सही है, बट अब हम दूसरा रूम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे वीडियो बनाने की जगह नहीं हो पा रही है। तो जो आज मेरी फ्रेंड आ रही है, वो भी कह रही थी ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है ये कभी ब्लॉग में नहीं आता है। हेलो बोल। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? तो क्या कहते हैं, अभी वो जो मेरी फ्रेंड आ रही है, वो भी कह रही थी कि वो कह रही थी कि मैं भी, मुझे भी रूम देखना है करके। मतलब यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, बट सिर्फ वीडियो बनाने की जगह नहीं ना, छत है, छोटी सी बालकनी है, उसमें नहीं बना सकती मैं, है ना, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की ओर, और हम ना वो पीछे उतर गए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था, और अभी हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे। और ये है फ्रेंड, हाय बोलो थोड़ा शर्मा रही है। और देखते हैं कैसा जो लेक है। लोग वैसे शाम के टाइम पे ना ज़्यादा जाते, और हम खाने पीने के लिए भी लेके जा रहे हैं सामान, देखो, क्योंकि वहाँ को, हाँ वैसे यहाँ को कुछ मिलता ही नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे सब सुनसान वाला एरिया है, इसलिए फोटो भी नहीं खेले। तो गाइस आप लोगों को बहुत ही बड़ी झील दिखा देती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा लेक है। और ये देखिए गाइस क्या है, नैनीताल का छोटा, हाँ नैनीताल का बच्चा है देखो कह रहे हैं लेक लेक। और ये फोटो में बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा था ना, ये लोग तो शायद पहले भी आए थे, मैं तो नहीं आई थी, तो मेरे को लगा शायद से बड़ा होगा, बट मेरे को नहीं पता था। बट एक चीज़ प्यारी लग रही है, जो वहाँ पे ऊपर को पानी आ रहा है बस, और वहाँ पे बतख भी हैं, वो जो वाइट वाइट कलर के, वो अभी हम जाएंगे यहाँ से वहाँ को। अभी हम पहुँच चुके हैं लेक के पास, और नीचे पे है बतख। हम अगली बार आएंगे तो इनके लिए चावल लेके आएंगे, कुछ दाना पानी लेके आएंगे गाइस, अभी कुछ नहीं लेके आया, मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ पे हमारा इतना सुंदर व्यू है, नैनीताल से भी बहुत सुंदर है। इनको बैठने की जगह नहीं मिली है। अरे ये बहुत ज्यादा गीला और है, तो इसलिए हम नीचे बैठेंगे। यहाँ पे सुंदर व्यू का नजारा, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मच्छर खा रहे हैं, तो इसको मुझे नहीं लग रहा कि हम ज्यादा दिख पाएंगे। दोनों के पास स्टिंग आ चुका है ये भी बताना जरूरी हुआ। गाइस मैंने एक बार ना स्टिंग छोड़ दी थी, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, बट आज पी लेते हैं। मैं तो कभी नहीं पीता। ये पिनालू है गाइस, देखो पिनालू भी लगे हैं, और इसकी सब्जी भी खाते हैं हम ना, इसकी छतरी बनाते हैं। हाँ इसमें पानी नहीं टिकता है ना। यहाँ से आ गए, देखिए गाइस वाओ क्या सुंदर व्यू है, मजा आ गया। और यहाँ से ऊपर कोई आर्मी वाला एरिया, तो वहाँ अलाउड नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। इनको बोलो थोड़ा ये घास वास काटने को, बहुत घास होगी इनके एरिया में। जी के बोट क्लब यहाँ पे, ओ यहाँ पे बोट भी है क्या? वो आगे क्या है, वो आगे पत्थर जैसा लकड़ी अच्छा है।
वैसे हमने बहुत सही करा क्योंकि सोई सोई बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाती है और वैसे भी मेरी थोड़ी बहुत तबियत खराब होने की वो हो रही है। ज्यादा टाइम पे मैं बुखार वाली टैबलेट लेके जाऊंगी क्योंकि जब बुखार आता है ना तो हाथ पांव इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना कभी। और हम लोग मिले भी नहीं थे आज तक कभी, तो हम लोग मिल गए और अब हम आज से मिलते रहेंगे। मैजिक है, खूब रह सकते हैं आप और एकदम बिल्कुल स्विमिंग पूल वाला मजा आएगा। तो गाइस देखो आपको ये, हाँ फिर यहाँ से नहा के आप वहाँ पे लेट सकते हैं, एकदम गोवा वाला फील आएगा क्योंकि वो तो यहाँ पे नहीं बनाया है। अच्छा कहा गया आप, अभी मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, अभी बुलाएंगे। हमने पूरा चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ, हमको बैठने की सीट नहीं मिली थी, फाइनली गाइस हम लोग बैठे, अब हम आराम से बैठेंगे। थोड़ा सा पाँव में दर्द हो गया है ना, अजीब सा हो रहा है। इसको हमारे वहाँ बोलते हैं लिंगड़ू बोलते हैं ना, तो चाली अगर ये थोड़ा सा सस्ता जैसा देंगे तो ठीक है। भैया थोड़ा सा कम कर दो ना, ये एक गट्टी पूरा 100 का है क्या? ये बहुत महंगा दे रहे हैं, वही तो हमारे वहाँ फ्री में ये बिल्कुल फ्री में मिलता है, बस जंगल से तोड़ के लाना पड़ता है। टमाटर ही नहीं है इतना महंगा जितना इसका है, बट इसको लाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि इसको बहुत जंगल से लाना पड़ता है। जब वो तोड़ रहे होंगे तो उनको मच्छर भी खा रहे होंगे ना, बट लेके जाएंगे। तुम्हारा मन कर रहा है? हाँ हाँ मेरा तो कर रहा है। अब नहीं वो तुम बताओ ना, इतने को बनाना मतलब बनाएंगे ना हम इसको अच्छे से बनाएंगे ना, बनाना तो आ जाएगा ना। अब तो सस्ता कर दो भैया, मतलब रिश्तेदारी निकल गई प्लीज। भैया पिथौरा गढ़ आपका ससुराल है भैया, ये आपकी साली है, क्यों बोल रहे भैया? इसको 50 कर दो, 50 कर दो, 50 कर दो, हाँ 50 कर दो, 50 कर दो। अरे उसको कम मत करो ना, इसको पूरा 50 का दे दो। ये अंकल गाइस यहाँ पे, हाँ चौलाई है ना, ये तो खेत के किनारे में भी होता है, खेत के किनारे में भी हो जाता है, इसको ले लेते हैं, ये अच्छा होगा, आज के रात बना लेंगे इसको। 40 रुपए किलो भिंडी, 40 रुपए। यार ये कीड़े खा रखे हैं क्या ये? ये खा सकता है ज्यादा नहीं। हाँ ये खा सकता तो बहुत पत्ते हैं भैया ये। मैं आ गई हूँ रूम पे, मतलब हम आ गए और आज जो मेरी फ्रेंड है वो भी यहीं आएगी, यहीं खाएगी यहीं से बिल्कुल मस्त तरीके से। और क्या कहते हैं, अच्छा मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सब्जी लेके आई मैं, ये वो लेके आई मैं, ये पता क्या है इसको, वो बोल पत्ती होती है यार, झनकार, नहीं झनकार तो नहीं बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। उगल हाँ हाँ उगल कहते हैं, उगई कहते हैं। तो अभी हम खाना बनाते हैं, इसको बनाएंगे और बाय बाय टाटा, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में कल को।